अंतर्राज्यीय नक्सल विरोधी अभियान के तहत राजनांदगांव में कार्यशाला आयोजित, केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार ने ली बैठक। नागरिकता संशोधन कानून को प्रदेश में मिल रहा व्यापक समर्थन, महासमुंद में गोष्ठी और कवर्धा में तिरंगा रैली आयोजित। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की मुख्य अतिथियों की सूची, जिला मुख्यालयों में समारोह की रिहर्सल जारी। और मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए व्यापक प्रचार की कार्ययोजना, गांव-गांव में जाकर कला जत्था कर रहे हैं प्रचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अंतर्राज्यीय नक्सल विरोधी अभियान के तहत राजनांदगांव में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान क्षेत्र में माओवाद के खात्मे के लिए चलाए जा रहे अभियान के संबंध में कार्य योजना बनाई गई। कार्यशाला में केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं गढ़चिरौली, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव के डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के आला अधिकारी भी कार्यशाला में शामिल हुए। सभी ने अपने अपने क्षेत्र की चुनौतियों के मद्देनजर सुझाव दिए। इस मौके पर केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने क्षेत्र में चलाए जा रहे माओवाद उन्मूलन के प्रयासों की जानकारी ली और सुझाव दिए। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महासमुंद में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के प्रमुख महासमुंद के पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा और आरंग के पूर्व विधायक मार्कंडे चंद मौजूद थे। सभी वक्ताओं ने गोष्ठी के दौरान नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने को लेकर अपने विचार रखे। गोष्ठी के बाद मार्कंडे चंद ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस कानून के संशोधन में शरणार्थियों और घुसपैठियों में अंतर किया गया है। संशोधन इसमें एक तो जो कालखंड का रहा है, जैसे पहले 11 वर्ष के अवधि जो यहाँ रहते थे और उसमें धारा 8 में नागरिकता अधिनियम की धारा 8 में जो उसको कानून के नियमों को जो पालन करते हैं वो उसके आधार पर यहाँ उनको नागरिकता मिलती थी। अब हम उसको घटाकर 6 वर्ष किए हैं, बस इतने अंतर है। और दूसरे जो इसमें एक संशोधन है वो है कि जो दो चीज़ इसमें है, एक तो घुसपैठिए और शरणार्थी, दो चीज़ के अंतर किए हैं। तो जो शरणार्थी है उसको हम यहाँ नागरिकता दे रहे हैं और जो घुसपैठिए है, जो बलात् किसी के घर में या देश में या जगह पर घुसे हुए हैं उनको उनके जगह वापस करेंगे, बस इसमें इतना ही अंतर है। वहीं डॉक्टर चोपड़ा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने से भारत के आम नागरिक प्रभावित नहीं होंगे। सरकार ने ये कानून बनाया है कि जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता दी जाए, ये भारत में रहने वाले किसी नागरिक पर लागू होने वाला कानून नहीं है कि भारत के किसी नागरिक के अधिकारों का हनन इससे नहीं होने वाला है। उसके बावजूद विपक्ष के द्वारा कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट जो हैं, वो भ्रम फैला रहे हैं कि यहाँ के मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, उनसे कागजात मांगे जाएंगे, उनसे नागरिकता का प्रूफ मांगा जाएगा। ऐसा करके एक षड्यंत्र जो है उनके द्वारा लगातार चल रहा है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए, जन जागरण करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मंच महासमुंद के द्वारा इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उधर कवर्धा में भी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में जिले के दूर दराज के गांव से आए ग्रामीणों ने शिरकत की। इस रैली में 500 मीटर लंबा तिरंगा लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। Yeah.
रैली से पहले सभा का आयोजन किया गया। सभा को राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने भी संबोधित किया। श्री पांडे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्षी दल जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस कानून में धार्मिक रूप से प्रताड़ित पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। निर्वाचित होने के बाद श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा रुकने वाली नहीं है और वो उन राज्यों में भी पहुंचेगी जहां अभी सत्ता में नहीं है। जहां पार्टी खड़ी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश में सबसे मजबूत और देश पर शासन करने वाली पार्टी, राज्यों में शासन करने वाली पार्टी है। सबसे बड़ी सदस्य संख्या सांसदों की हमारी है, सबसे बड़ी सदस्य संख्या विधायकों की हमारी है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। कुछ प्रदेश अभी भी बच गए हैं, वहां भी हमारा निशाना पूरा है और आने वाले समय में सारे भारत में भारतीय जनता पार्टी के कमल को पहुंचाएंगे, ये विश्वास हम आपको देना चाहेंगे। श्री नड्डा के स्वागत में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूलों के गुलदस्ते से पार्टी के नए अध्यक्ष का अभिनंदन किया। तालियां बजती रहनी चाहिए। इस अवसर पर गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जेपी नड्डा को पिछले वर्ष जुलाई में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। वे लंबे समय तक पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वे कैबिनेट मंत्री थे। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान उन्हें राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में होने वाले ध्वजारोहण समारोहों के लिए मुख्य अतिथियों के नामों की सूची जारी हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार राज्यपाल अनुसुईया उइके रायपुर के पुलिस परेड मैदान में झंडा फहराएंगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत कोरबा में और उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडवानी कांकेर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोरबा में भी प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में 13 जनवरी से पुलिस, सशस्त्र बल, औद्योगिक सुरक्षा बल, एनसीसी और स्काउट गाइड के कैडेट्स परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। रक्षित निरीक्षक संजय साहू ने बताया कि परेड की अंतिम रिहर्सल 23 जनवरी को होगी। इसमें 11 प्लाटून शामिल होंगे। दिनांक 13 तारीख से प्रारंभ कर दिया गया है और कुल हमारे फाइनल परेड में 26 जनवरी को जो शस्त्रधारी हैं वो 5 प्लाटूनें रहेंगी और उसके बाद एनसीसी सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न, स्काउट गाइड की कुल 11 प्लाटूनें इस परेड में शामिल होंगी। हमारे गणतंत्र दिवस के लिए मंत्रालय से जो जारी किया गया है पत्र, उसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी का नॉमिनेट किया गया है, वो गणतंत्र दिवस परेड की सलामी लेंगे। गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण समारोह के दौरान आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएंगी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। बाल मृत्यु दर में कमी लाने और बच्चों को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए सघन टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष का द्वितीय चरण शुरू हो चुका है। मिशन के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए इससे जुड़ने वाली संस्थाओं और व्यक्तिगत इकाइयों को जानकारी देने के लिए आज रायपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अलग अलग सत्रों में मिशन के उद्देश्य, इसके प्रचार प्रसार और क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के अपर महानिदेशक सुदर्शन एस पंतोड़े ने अभियान के उद्देश्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत सांस्कृतिक दल और कला जत्था अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को, बच्चों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष द्वितीय चरण का यह उद्देश्य है कि
जो बच्चे छूट गए हैं टीकाकरण से, जो गर्भवती महिला वो भी छूट गई है, उनको इस मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीके लगवाने के हेतु के लिए जन जागरण कार्यक्रम किया जा रहा है। और यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के 8 चिन्हित जिलों में आयोजित किया जा रहा है, जिनमें सॉन्ग एंड ड्रामा जो ये है मंच है, उनके द्वारा गांव और ब्लॉक में और ज़िले में इस प्रकार का एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि टीकाकरण कार्यक्रम और आगे बढ़ सके। इसके लिए जो हमारे जो ट्रूप्स है उनके माध्यम से गांव में और ब्लॉक में जो गीत है, नाटक है, प्रहसन है, इसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ साथ में पत्र सूचना कार्यालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार विभाग द्वारा भी समय समय पर इसकी जानकारी लोगों को दी जा रही है, ताकि टीकाकरण के बारे में जागरूकता निर्माण की जा सके। कार्यशाला में राज्य के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने मिशन इंद्रधनुष के तहत पहले चरण में मिली सफलता के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले चरण में छूटे बच्चों को दूसरे चरण में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि दिसंबर से शुरू हुआ यह अभियान मार्च तक जारी रहेगा। कोरिया जिले में पुलिस को एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर धोखाधड़ी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। कोरबा के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके पास से 3 नग एटीएम क्लोनिंग डिवाइस, 15 एटीएम कार्ड और मोबाइल बरामद हुए हैं। साथ ही 58,000 रुपए और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। जब कोई पर्सन एटीएम यूज करता था, एक बंदे का काम होता था एटीएम का पिन देखना, दूसरा बंदा एटीएम को क्लोन करता था। वो अपनी स्कैनिंग डिवाइस में किसी न किसी बहाने किया, मुझे जल्दी ये पैसा निकालना है और आपका एटीएम उसको निकाल के हाथ में देना, या उसका एटीएम गिर गया तो उतनी देर में उठा के देने के जितना टाइम लगता है उसी बीच में स्कैन कर लेना, इस तरीके से वारदात। उसके बाद स्कैन कर लेते थे, फिर एक बंदे ने, जिस बंदे ने पिन देखा है, वो फिर स्कैनिंग के बाद उसका क्लोन बनाते थे एटीएम का और पिन नंबर यूज करके फिर दूसरे एटीएम से ये पैसा निकालते थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही इनके बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है। प्रदेश की पर्वतारोही रायगढ़ निवासी याशी जैन नेपाल के माउंट आइसलैंड चोटी पर तिरंगा लहराने में सफल रही हैं। याशी की इस सफलता के बाद गृहनगर रायगढ़ वापस लौटने पर स्टेशन में गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। याशी ने बताया कि माउंट आइसलैंड चोटी की ऊंचाई 6,189 मीटर है। उन्होंने इस चोटी को फतह करने के साथ ही वहां तिरंगा फहराया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बैनर भी लगाया। फ्रेंड्स, सो आई एम हियर ऑन आइसलैंड पीक, सक्सेसफुली समिटेड। याशी ने पर्वतारोहण के दौरान के अपने अनुभवों और चुनौतियों के बारे में दूरदर्शन समाचार को बताया। करीबन रात के 1:30 बज रहे थे जब हमने अपने बेस कैंप से स्टार्ट किया, और चूंकि रात का समय था उस समय इतनी तेज हवाएं चल रही थी, बर्फीली हवाएं थी, लगभग 40-50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आप कह सकते हैं। उसमें हमारे हाथ भी फ्रीज हो रहे थे। एक पॉइंट पे तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे हाथ एकदम सुन पड़ गए थे, मुझे फील नहीं हो रहे थे और इतना पेनफुल था। फिर मेरे शेरपा ने थोड़ी मेरी मदद की, उसके बाद मैंने हिम्मत जुटाई और मेरे हाथ थोड़े ठीक हुए, तब जाके मुझे थोड़ी हिम्मत आई कि नहीं, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। फिर ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े, कुछ कुछ परेशानियाँ आई पर सब कुछ सफलता के साथ पूरा हुआ। याशी ने कहा कि अब वो हिमालय की अन्य चोटियों को भी फतह करने का जज्बा रखती हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। अंतरराज्यीय नक्सल विरोधी अभियान के तहत राजनांदगांव में कार्यशाला आयोजित, केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार ने ली बैठक। नागरिकता संशोधन कानून को प्रदेश में मिल रहा व्यापक समर्थन, महासमुंद में गोष्ठी और कवर्धा में तिरंगा रैली आयोजित। गणतंत्र दिवस
सेवा समारोह के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की मुख्य अतिथियों की सूची। जिला मुख्यालयों में समारोह की रिहर्सल जारी। और मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए व्यापक प्रचार की कार्य योजना। गांव गांव में जाकर कला जत्था कर रहे हैं प्रचार। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।